ये जो आप देख रहे हो एक चम्मच, इसके डालने से आपके जो गुलदावरी के प्लांट है, आपके गुलदावरी का प्लांट जो है कलियों से फूलों से भर जाएगा। अगर आपके प्लांट में भी इस तरह से कलियां नहीं बन रही है और इसकी जो है ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो रही है और ना ही इसमें कोई फूल कलियां कुछ भी बन रही है, तो एक चम्मच इस ये जो पाउडर है एक चम्मच डालने से आपके प्लांट में फूल और कलियों से भर जाएगा। तो ये पाउडर क्या है और इसके डालने का क्या मतलब प्रोसेस है, ये सब मैं आपको बताऊँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। हेलो गाइस, अनुभास गार्डन में आप सभी का स्वागत है। गैस नवंबर का महीना आधा होने वाला है, तो गैस देखिए इस समय भी मतलब ये जो है मेरे जो गुलदावरी है इसके कई नाम है, गुलदावरी कहते हैं इसको, गुलदावरी कहते हैं और हमारे यहाँ तो जैसे चंद्रमल्लिका कहते हैं। तो देखिए इसमें कलियाँ नहीं बन रही है और ना ही इसकी इतनी अच्छी मतलब ग्रोथ तो अच्छी हुई है, देखिए काफ़ी मतलब भूसी हुआ है। तो आप लोगों से मैंने शेयर किया था किस तरह से इसको भूसी बनाया जाए, तो और भी बना सकती थी भूसी, इसको मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरा जो टेरेस है इस पर जगह नहीं होगी गमले रखने की। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे है, कटिंग्स भी है, ये देखिए मैंने इसमें भी लगा रखा था, तो देखिए और कटिंग्स भी है, ये देखिए छोटे छोटे कंटेनर में, मेरे पास इतने जगह नहीं है ना ही इतने पॉट्स है जो मैं इनको लगा सकूँ बड़े बड़े पॉट्स में, तो मैंने छोटे छोटे कंटेनर जो है वेस्ट वाले उसमें लगा रखे हैं। और दो एक को मैंने अच्छे मतलब गमले में शिफ्ट कर दिया है। तो ये देखिए ये वाला जो है अभी भी इसमें कलियां नहीं बनी हुई है, ना ही कलियां आ रही है, जबकि ये नवंबर का महीना फर्स्ट वीक तक आपके इसमें कलियां बन जाती है, फूल भी खिल जाते हैं, कई कई जगह तो फूल भी खिल चुके हैं। तो उसमें क्या डालना है जिससे कि इसमें फूल और कलियाँ आपकी बने और ढेरों आपके फूल बने, तो इसकी केयर कैसे करना है नवंबर के महीने में, किस तरह से इसकी केयर करना, किस तरह से इसको फर्टिलाइज करना है, इस विषय से इस विषय में आप लोगों से मैं बात करूंगी। तो गाइस वीडियो में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि मैं नए नए वीडियो डालूँ तो आप तक सीधा पहुँच सके। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, तो कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या नहीं। तो गाइस वीडियो को शुरू करती हूँ। तो गाइस देखिए पहले तो है इसकी मतलब धूप है, जो मतलब धूप की बात करती हूँ क्योंकि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है और हमारे यहाँ तो दिल्ली में इतनी पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से कई दिनों से तो मतलब धूप भी ढंग से नहीं आ पा रही है। तो देखिए शाम के 5 बजे का वक्त है, तो देखिए कितना धुंध है चारों तरफ, देखिए बहुत ही ज़्यादा धुंध हो रही है। ये जो है आपका ये पोल्यूशन है हमारे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली में हर साल मतलब दिवाली से पहले दिवाली के बाद इतना मतलब मौसम बेकार हो जाता है, तो इस वजह से धूप भी नहीं निकलती है, कपड़े भी बहुत मुश्किल से सुखा पाते हम लोग। तो देखिए प्लांट्स की तो और हालत बुरी हो जाती है, तो इस वजह से इसको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो किस तरह से इसके मैं केयर करूँगी ये आप लोगों से शेयर करूँगी और कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो गाइस भूसी करने के लिए आप लोगों से मैंने शेयर किया था, अगर आपको प्लांट को भूसी करना है तो आप लोग पिंच करते रहिए, ठीक है ना, तो इस तरह से भूसी बना सकते हैं। उसके बाद इसकी जो है धूप की बात की है, तो मैंने अगर आपके वहाँ पे धूप सही नहीं आती फिर भी इसको 4-5 घंटे की धूप में तो रखना है इसको, और पानी जो है पानी भी आपको अच्छी तरह से मतलब जब इसकी सॉइल अच्छी तरह से सूख जाए, ऊपर की जो सतह है इस तरह से देखिए, ये देखिए ये इस तरह से जब सूख जाए तभी मतलब इसमें पानी देना है, और जब ज़्यादा पानी देते हो तो इसके जो रूट से गलने लगती है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं और इसमें फूल के लिए भी नहीं आएंगे आपके ढंग से। तो सबसे पहले तो इसकी जो है साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है, जो भी आपके ये इसके मतलब जितने भी सूखे पत्ते होते हैं और येलो लीव्स होते हैं उनको फेंक देना ही ज़रूरी है। और ये जो है इसमें मतलब बहुत जल्दी ये देखिए ये मिली बग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है इस प्लांट में, तो आपको 15 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नीम ऑयल हो चाहे कोई भी फंगीसाइड हो, चाहे फिर आप कुछ भी इस्तेमाल करते हो आपके मिली बग फंगस के लिए,
तो उनको 15 दिन में 1 बार 10 दिन में 1 बार स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो है मिली वर्क काट एक बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं इसे स्प्रे करती रहती हूँ, फिर भी लगा रहता है 1-2। तो देखिए इसमें तो बिल्कुल वो नहीं है, 1-2 है फिर भी। तो उसके बाद इसके पानी का हो गया, धूप का भी हो गया, पानी का हो गया। अब यह इसका है साफ़ सफाई की बात, तो साफ़ सफाई की भी बात कर ली मैंने। ये देखिए इस तरह से, अगर आपके प्लांट में भी इस तरह से सूखे पत्ते येलो पत्ते हैं तो इनको कट करके फेंक देना, नहीं तो और ज़्यादा फंगस आएंगे। प्लांट्स को आप जितना साफ़ सुथरा रखोगे उतने ज़्यादा ही हेल्दी बनते हैं, तो इस तरह से साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। आप लोगों से मैं इनको अच्छी तरह से मैं साफ़ करके फिर ज्वाइन करती हूँ। तो देखिए गैस मैंने ये साफ़ कर लिया है, इसके जितने भी लीव्स थे, ये जो सूखे हुए येलो वाले लिप्स थे सारे निकाल दिए। उसके बाद जो है ये जो बहुत ज़रूरी है, इसके नीचे से जो पफ निकलते रहते हैं, बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, इनको तोड़ देना ही अच्छा होता है। ये देखिए, क्योंकि अगर ये देखिए इसमें से निकलते रहते हैं इस तरह के पफ्स जो है, आप चाहे तो इसको सेपरेट करके लगा सकते हो और चाहे तो इनको फेंक दीजिए। क्योंकि अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो ये है जो आपकी एनर्जी खाते रहेंगी, जो प्लांट है इसमें अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ना ही फ्लावरिंग हो पाएगी। तो इसलिए जो इसके बेबी प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, इनको निकाल फेंकना ही अच्छा होता है, क्योंकि इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं इस तरह से। तो गैस देखिए कि इसमें मैं और कौन सा खाद डालती हूँ जिससे कि इसमें जो फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियाँ नहीं बन रही है, तो उसमें खाद देना ज़रूरी है। तो मैं इसमें कौन कौन से खाद दूंगी, तो देखिए गैस ये ले लिया मैंने गोबर की खाद, ये है गोबर की खाद और ये है आपकी नीम की खली। तो गोबर की खाद जो है ये आपका फुल NPK है, इसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं और प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ऊपर से ये आपका है नीम की खली, क्योंकि इसमें फंगस बहुत जल्दी मतलब लग जाते हैं, तो फंगस से या फिर आपके कीड़े मकोड़े जो होते हैं उससे रक्षा करती है। और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी पाया जाता है। और उसके बाद ये है एप्सम सॉल्ट, मैं एप्सम सॉल्ट डालूँगी। एप्सम सॉल्ट डालने से भी आपके जो प्लांट्स होते हैं हेल्दी बनते हैं और फूल और कलियाँ बनते हैं, और जो प्लांट्स में आपका हरापन होता है वो भी बना रहता है प्लांट्स के। तो उसके बाद जो है आपके ये है, ये जो मैं बता रही थी आपको, ये है आपकी सरसों की खली। सरसों की खली ये भी आपके मतलब NPK है, ये भी इसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे नाइट्रोजन के अलावा भी इसमें बहुत से ऐसे चीज़ें पाए जाते हैं, फास्फोरस वगैरह पाए जाते हैं, और जो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, फल फूल लाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये दूंगी, उसके बाद दूंगी मैं इसमें साफ फंगीसाइड, क्योंकि साफ फंगीसाइड फंगस मतलब इसमें जूस में भी लग सकता है। नीम की खली दे दी है मैंने, फिर भी मतलब इसमें फंगस कटेक बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से मैं इसमें साफ फंगीसाइड भी डालूंगी। तो इन्हीं सभी को मैं मिक्स कर लूँगी इस तरह से, देखिए सभी को मतलब मिक्स कर लेंगे सारे जो आपका ये, इनको मैं मिक्स कर ली। और उसके बाद और एक चीज़ डालूँगी मैं गैस, ये है आपकी चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती देना भी मतलब बहुत ही अच्छा होता है। एक मिनट, ये मैं 1 चम्मच के करीब चाय की पत्ती दूंगी, क्योंकि चाय की पत्ती है, इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, और आपका इसमें है अमीनो एसिड भी पाया जाता है, बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब सॉरी मैं शायद कुछ भूल गई हूँ, कोई बात नहीं। चलिए फिर भी मतलब चाय में मतलब चाय की पत्ती में बहुत ही अच्छे यूज़ की हुई चाय की पत्ती है, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब पोषक तत्व पाए जाते हैं, कुछ जो हम जो मतलब भूल जाते हैं, तो मैं कुछ भूल गई थी तो उसके लिए सॉरी। तो देखिए इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद तो देखिए कैसे इसका जो मेन चीज़ है, मैं ये देना भूल गई थी, मैंने आप लोगों से शेयर किया था, कुछ चीज़ मैं भूल गई हूँ। तो देखिए ये है आपके केले के छिलके को मतलब सुखा के अच्छी तरह से मैंने पाउडर बना लिया है, ये है आपका मेन चीज़ है। इसमें आपका जो है पोटाश की मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है, जो आपके प्लांट्स में फल फूल लाने में और कलियां बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो ये है आपका मेन चीज़ें। तो मैं इसमें ये सब मैंने चीज़ें इतने सारे जो है मैंने फर्टिलाइज़र बनाया, मिक्स करूँगी इनको, फिर मैं अच्छी तरह से इनको इनके जो जड़ों में डालूंगी। तो देखिए गैस मैंने इनको मिक्स कर लिया है, अब मैं इसको अच्छी तरह से मतलब गुड़ाई करूँगी। कोई भी आप खाद डालते हो, खाद डालने से पहले आपको गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो
तो इस तरह से कोई भी हम खाद देंगे तो अच्छी तरह से इसकी गुड़ाई करना। तो मैं इस तरह से गुड़ाई कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। तो देखिए गुड़ाई करते करते इसकी जो है रूट से ये जो है बेबी प्लांट देखिए कहाँ तक मतलब अंदर तक फंसी पड़ी है इस तरह से। तो इनको मैं निकाल दूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मतलब नीचे इसके बेबी प्लांट बन रहे हैं, तो निकाल दूँगी। तो गैस कोई भी खाद डालते हो आप इस तरह से इसके स्टेम के पास नहीं डालना चाहिए, रूट्स के पास नहीं डालना चाहिए, ये जो है स्टेम उससे दूरी रखना चाहिए। इस तरह से आप रिंग बनाकर फिर रिंग के चारों तरफ से इस तरह से खाद देना चाहिए, जिससे कि इसके जो मेन स्टेम है उसके पास नहीं जाना चाहिए और जो है इसके रूट्स जो है पोषक तत्व को इस तरह से सोख सकती है आराम से दूर से ही। इस तरह से मैं मिक्स करके चारों तरफ से फिर मिट्टी से कवर कर दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने डाल दिया है, अब इनको मैं अच्छी तरह से कवर कर दूंगी और इसमें पानी डालूंगी। पानी जो है आपका प्लेन नहीं डालूंगी, जो एप्सम सॉल्ट लिया था मैंने वो पानी में घोल के डालूंगी तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और उसके बाद इसमें मैं स्प्रे करूँगी तो इसमें जो फंगस वगैरह भी होगा ऊपर मिली वगैरह होगा वो भी आपका साफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग भी अगर ना आप लोगों के उसमें भी प्लांट में कलियाँ नहीं बन रही है तो इस तरह से खाद दीजिए। उसके बाद जो है 15 दिन बाद मैं इसका आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी इसमें जो फूल और कलियाँ बनेंगी। तो गाइस ये ले लिया मैंने पानी और ये ले लिया मैंने एक चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट। ये देखिए इस तरह से पानी में घोल के अच्छी तरह से फिर मैं इसमें दे दूँगी। तो देखिए मैंने घोल लिया अच्छी तरह एप्सम सॉल्ट को, अब इस तरह से पानी डाल दूँगी मैं, ये देखिए। और इसके बाद जो है ये मैंने स्प्रे ले लिया है, स्प्रे बोतल स्प्रे कर लिया है तो अच्छी तरह से मैं घुमा घुमा कर अच्छी तरह से इनको स्प्रे कर दूँगी। तो गाइस वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, और कमेंट कर दीजिएगा। तो आपके एक लाइक से हमें मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को मतलब मोटिवेट करती है आपकी लाइक। तो आप प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू।